हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं लॉन्ग हेयर बियर्ड, जो कि आप सामने देख सकते हो। रणवीर सिंह का मैंने पिक्चर रेफरेंस के लिए लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनकी जो बियर्ड है काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हर बार, वो है आउटलाइनिंग। ठीक है, तो आउटलाइनिंग अगेन मैं फ्री हैंड ही यूज़ कर रहा हूँ। और जिनको प्रॉब्लम होती है आउटलाइनिंग में, वैसे तो मैं बना दूंगा अलग से वीडियो, बट मैं आउटलाइनिंग की कुछ पोर्शन मैं यहाँ पे रियल टाइम में चला रहा हूँ। अगर आपको आउटलाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो, और अगर अगर होती है तो आप ये पोर्शन को देखो, उसमें मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ। आप ध्यान से देखो कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप फिर भी समझ नहीं आता, आज मुझे DM कर दो, मैं आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट लेयरिंग के लिए मैं फिर से HB पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ, और प्रोसेस भी सेम है। आपको हल्के हाथों से बस सेटिंग करनी है, पूरे जो भी एरिया है बियर्ड की उसको आपको कवर करना है।
अगले लेयरिंग के लिए मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको विथ टेक्सचर और हेयर के डायरेक्शन में आपको छोटे छोटे लाइंस ड्रॉ करने हैं हल्के हाथों से। यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। ओके गाइज, ये पोर्शन को हम ब्लेंड कर लेते हैं ब्रश को यूज़ करके, फिर चलते हैं अगले लेयर में। तो गाइज, अगली लेयरिंग के लिए मैं 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है, आउटलाइन की पेंसिल है मेरे पास। इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अगली लेयरिंग के लिए, और यहाँ पे मैं जो डार्क पोर्शन है बियर्ड की, जो सबसे डार्क पोर्शन है, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइज़, आप ये ध्यान रखो, जब भी आप किसी भी टाइप का हेयर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि डार्क शेडिंग करो या लाइट शेडिंग करो, कुछ भी करो, आपको शेडिंग हेयर के डायरेक्शन में ही करना है। क्योंकि ये ऐसा करने से समय ज़्यादा लगता है, बट कोई बात नहीं, समय दोगे तभी आपकी जो ड्राइंग अच्छी बनेगी। तो आपको हेयर के डायरेक्शन में ही ड्रॉ करना है, चाहे वो लाइट शेडिंग हो, डार्क शेडिंग हो, कुछ भी हो। तो आप देखिए कि किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गाइज़, हमारी 3 लेयरिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी हम देखें यहाँ पे, तो जितना डार्क होना चाहिए था वहाँ पर उतना डार्क नहीं हुआ है, तो उसको हम एक दो और लेयरिंग ऐड करेंगे। बट उससे पहले जो मुस्टैच हैं वहाँ पे, जो हेयर हैं साइड वाली, वो बहुत डार्क दिख रही हैं और शार्प भी है, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा 4B, जो कि बहुत अच्छी खासी उसकी डार्कनेस होती है।
तो आप कोई भी ऑर्डिनरी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, उसको शार्प कर लेना और उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सेटिंग के लिए। तो यहाँ पे जहाँ पे भी शार्प लाइनिंग की ज़रूरत है वहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे।
ओके गाइस, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि डार्क पोर्शन को अभी और भी ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं फिर से 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप 10B भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो और भी ज़्यादा डार्क होती है। तो अब देखो रेफरेंस में कि कहाँ तक आपकी जो सेटिंग है वो डार्क हो सकती है, कहाँ पे बियर्ड पूरी कंप्लीट डार्क पूरी ब्लैक दिख रही है, आप उसको कंप्लीट डार्क करने की कोशिश करो। ओके गाइज, यहाँ पे जो भी डार्क पोर्शन की ज़रूरत थी हमने डार्क कर लिया है, और उसको थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर देता हूँ हार्ड ब्रश से। हार्ड ब्रश को किस तरीके से यूज़ करना है और क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसका आंसर आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिलेगा जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ जाके देखिए। तो अगला प्रोसेस जो हमारा है, अगला स्टेप जो है वो है हाईलाइट प्रोवाइड करना, और उसके लिए मैं फिर से टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। और आपको रेफरेंस में फिर से ऑब्जर्व करो कि कहाँ पे ज़रूरत है वाइट हाईलाइट की, आप आराम से उसको प्रोवाइड करो।
तो हाईलाइट देने के बाद मैं थोड़ा ब्लेंड कर लेता हूँ ताकि जो पोर्शंस हैं वाइट पोर्शन जो बहुत ज़्यादा वाइट दिख रही है वो थोड़ा मिक्सअप हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाने के लिए हम उसके ऊपर पेंसिल की हल्की सी शेडिंग देंगे ताकि वो और भी मिक्स हो जाए। जहाँ पे कम वाइट की ज़रूरत है वहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा पेंसिल की शेड करके हम उसको कवर अप कर देंगे। आप देखो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है और वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, कमेंट कीजिए या फिर मुझे सोशल मीडिया पर मैसेज कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।